हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आप मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ बंडा। बंडा तो जानते ही होंगे, राजपाल यादव का नाम सुना होगा, मशहूर कॉमेडियन और जो फिल्मी जगत की हसीन दुनिया के बेताज बादशाह, कॉमेडियन की दुनिया में बेताज बादशाह ही बोले जाएंगे। तो उनके आवास पे आया हुआ हूँ बंडा में, जो उनका घर बना है राजपाल यादव जी का। जस्ट मेरे पीछे ये देख लीजिए, लिखा है यादव भवन। तो देखिए यादव भवन लिखा है, ये पूरा जो है उन्हीं का घर है। और देख सकते हैं बहुत बड़ा बना है, अंदर अंदर शायद किराएदार रह रहे हैं इस समय। तो ये देख सकते हैं राजपाल यादव जी, अंदर भी फील्ड है, अंदर काफ़ी फील्ड है, तो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत बड़ा घर है, तो यहाँ ये पूरा देख रहे हैं जितने लगभग यहाँ इसमें 13-14 रूम हैं, फ्रंट के 13-14 रूम हैं जो आम सामने से दिख रहे हैं। तो उनमें सारे किराएदार रह रहे हैं। और राजपाल यादव जी अब दिवाली में आएंगे यहाँ, तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पब्लिक रहती है, उनसे मुलाकात होती है। ये देख पूरा व्यू देखिए, ये पूरा पूरा जो मकान है राजपाल यादव जी का है, ये देख सकते हैं। और अंदर भी देख लीजिए, अंदर सारे किराएदार रहते हैं, यहाँ कोई उनके घर का नहीं रहता है, इसीलिए अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। क्योंकि अंदर जाने का मतलब है किराएदार, अब किराएदार से थोड़ी ना परमिशन लेंगे। तो इसीलिए आप लोग यूँ ही मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, ये पूरा मेन हाईवे जो बोलते हैं बंडा, बंडा का जो हाईवे है जो शायद खुटार गया है ये सीधा, तो इसी पूरे हाईवे पे हैं। आप लोग देख सकते हैं हाईवे पे हम लोग खड़े हुए हैं। और ये जस्ट पीछे यादव जी का घर है, जो राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन जो हैं उन्हीं का घर है। और उनके भाई जो तीन लोग यहाँ रहते हैं, तीन बाहर रहते हैं, तो उन्हीं भाई जो में से एक लोग यहाँ देख रेख करते हैं। तो ये हमारे परम मित्र विकास भाई, इन्हीं साथ में आया था। बताओ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं इस समय बंडा में खड़ा हुआ हूँ राजपाल यादव जी के यादव भवन पे। ये देखिए हाईवे रोड पे ही पड़ता है, ये कुआएं थी इधर कुटार तरफ गई है, वहीं पर खड़ा हुआ। दोस्तों ये आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले भाई भाई के चैनल का नाम है विकास विलेज लाइव। दोस्तों आप, तो आप लोग वहां जाइए और इनके चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही नए नए जो कलाकार हैं और जो नई नई जगह हैं, शायद आप लोग उनसे अवगत ना हुए, तो उनको मैं दिखाता रहूँगा और नई नई जानकारी देता रहूँगा। और आप लोग ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करिए, प्यार देते रहिए। चलते हैं फिर ऐसे ही ब्लॉग के साथ मिलते हैं, मिलाते रहेंगे लोगों से। और आप क्या बोलेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइबर से बस यही बोलेंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर जाता हूँ, लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट कराता हूँ, दिखाता हूँ इतनी दूर दूर जाके आप लोगों के लिए, जो है मतलब कहीं उनका घर दिखाता हूँ, कहीं राजपाल को दिखाता हूँ, कहीं मतलब मंदिर दिखाता हूँ, पवित्र दिखाता हूँ, हर तरीके के ब्लॉग आते हैं हम लोगों के, तो ऐसे आते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों, ढेर सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी आगे लेके जाइए। देख रहे हैं लगभग 3 मंजिल होगा, जस्ट पीछे हमारे यादव भवन, जो राजपाल यादव बंडा के मशहूर कॉमेडियन कुंडरा के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो उनका स्थान, आवास स्थान कह सकते हैं, क्योंकि कुंडरा उनका गांव है और ये जो बंडा है एक कस्बा टाउन है, तो यहीं इनका आवास। अब जो आएंगे, जब आएंगे वो, तो यहीं आते हैं और साथ ही अपने गांव भी जाते हैं, उनसे लोगों से मिलते हैं। तो बस इतनी सी जानकारी आप लोगों तक शेयर करनी थी। और आप लोग पूरे ब्लॉग को देखिए, आनंद लीजिए। और जब कभी पूरा ब्लॉग जब समापन पे हो, तो आप लोग देख कर उसके जो नोटिफिकेशन आती है उस पर साइड में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी नई जो भी वीडियो आएगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप लोग उस वीडियो का